हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज हमारे दोस्तों पार्ट टू है, जो रैंकिंग टेस्ट चल रहा है दोस्तों उसके लिए रैंकिंग टेस्ट का पार्ट टू है। दोस्तों रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण का पार्ट टू है। दोस्तों सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कुछ स्टूडेंट का इस क्वेश्चन के रिलेटेड हमारे पास मैसेज आया था कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं है। दोस्तों चलिए दोबारा रिपीट कर दूंगा। दोस्तों कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने जरूरी है, इसलिए तो दोस्तों आपको करवाई जा रही है। ए राम का ऊपर से 12वीं रैंक है। दोस्तों ऊपर का मतलब है यानी कक्षा ए, मान लीजिए आपकी कक्षा के अंदर दोस्तों आप 10 बच्चे हो या 15 बच्चे हो, उनमें से ऊपर से स्थान राम का 12वां स्थान है। 60 विद्यार्थी मान लीजिए क्वेश्चन के आधार मान के ही करते हैं, आपकी कक्षा के अंदर 60 विद्यार्थी है और कक्षा के अंदर राम है, उसका स्थान है ऊपर से 12वां, यानी ऊपर से फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रैंक इसकी है राम की। तो बच्चे कितने आपके पास बच्चे 60, तो 60 में से 12वीं रैंक तो इसकी आ गई, तो बच्चे कितने पीछे। तो आपने कहा सर 60 बच्चे में से 12वीं रैंक आ गई तो पीछे बचे सर 48। तो 48 दोस्तों इससे पहले है, 49 खुद होगा तो प्लस एक किया 49। चीज यही है दोस्तों, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ो तभी समझ में आएगा। जल्दबाजी के अंदर मत पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, अपने ऊपर मान के चलो उस क्वेश्चन को कि मेरी अगर 12वीं रैंक आती है ऊपर से यानी फर्स्ट स्थान से 12वीं रैंक आती है तो नीचे से मेरी रैंक कौन सी होगी, मेरे से पहले 48 बच्चे होंगे, 48 के बाद मेरी रैंक आएगी, इसका मतलब एक जोड़ के 49 लिखा जाएगा। बस यही चीज होती है दोस्तों, चीज समझ में आ गई है। तो दोस्तों चलिए मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज और आपने डाटा चेंज कर देते हैं ताकि आपको भी फिर से समझाने की जरूरत ना पड़े, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए इसको 32वीं रैंक, कक्षा के अंदर 100 विद्यार्थी। अब बताओ राम का ऊपर से 32वीं रैंक है, ऊपर का मतलब दोस्तों फर्स्ट रैंक से 32वीं रैंक तथा कक्षा में कुल 100 विद्यार्थी, तो नीचे से स्थान राम का क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं आप, आपका जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मार्कर चलने लग गया है क्या दोस्तों, एक मिनट चेक करना। चलिए देखिए 32वीं रैंक है, तो मैंने कहा दोस्तों आपकी 100 बच्चे हैं आपकी कक्षा के अंदर, 100 बच्चे मैंने आपको बताया था, उसमें से 32वीं रैंक इसकी आ गई, यानी इससे पहले कितने बच्चे हैं। प्लस माइनस कुछ मत करो, आपका रिफ्यूज हो रहा है मुझे लग रहा है, प्लस माइनस के अंदर इससे पहले कितने बच्चे हैं 32 से पहले, राम की तो 32वीं रैंक है, इससे पहले कितने बच्चे, आपने कहा सर 31 बच्चे, माइनस कर दो। अब दोस्तों माइनस करना आपके आसान होना चाहिए दोस्तों, ठीक है 69 बच्चे आपके आ रहे हैं, राइट आंसर आपका यही होगा। चलिए 69वीं रैंक होगी। अब दोस्तों जितना अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तभी तो क्वेश्चन होगा, अगर मैं यहाँ पर क्या समझाऊं, समझाने वाली कोई भी चीज भी नहीं है, फिर भी अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप इतना कर सकते हो, आप हमें कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर दोस्तों, उन पे बता दूंगा कि आप थोड़ा सा यहाँ से ऐसे समझाइए दोस्तों कॉल करके, ज्यादा फर्क आ जाए, लेकिन जितनी हमारी तरफ से कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश की जा रही है। अब की बार संडे को दोस्तों कॉल पे रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों रीजनिंग का वो कॉल करके आपके जितने भी सवाल आपने डाउट होंगे वो ले लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, इसकी बस बाहर ले लेंगे संडे को। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद इसको मिटाते हैं। जल्दी से लिख लो दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, एक 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 से एक बढ़कर क्वेश्चन है सारे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों समझ में नहीं आने वाला है। चलिए दोस्तों अब पहले मैं क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर लगवाऊंगा, यहां पर इस साइड में आपको दिखाई देंगे, उनको पढ़ना है आराम से, पढ़ते क्वेश्चन को नोट करते चलना दोस्तों, ताकि आपका बोर्ड पे लगाते समय क्वेश्चन लिखते समय भी टाइम वेस्ट ना हो, सारी चीजों का सोल्यूशन भी होना चाहिए दोस्तों प्रत्येक चीज का, ठीक है ना, इसीलिए दोस्तों ताकि हमारा सॉल्यूशन पर ही ध्यान रहे दोस्तों। सर आप यहां तक क्वेश्चन लगा दीजिए प्लीज, यहां तक भाई यहां तक लगा देना सर, ठीक है आपके सामने क्वेश्चन विजिबल हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लग गया है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ईमानदारी से सभी स्टूडेंट पढ़ना शुरू कीजिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 36 विद्यार्थियों में कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं, जिसका दोस्तों ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप के अंदर करेंगे सर। इस क्वेश्चन को एक बार आगे क्वेश्चन नंबर दो लगा दीजिए सर। नहीं लगाएगा सर, चलिए क्वेश्चन नंबर दो लगाइए सर। हाँ क्वेश्चन नंबर दो, ये टाइप दोस्तों नेक्स्ट टाइप के अंदर पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर दो पे ध्यान दीजिए। ए पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है, बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल ले तो ए का बाईं ओर से 18वां स्थान हो जाएगा, तो इस पंक्ति में कुल कितने भी लोग हैं? 28, 29, 27, 31। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन से रिमूव कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही पढ़िए। शायद आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड ही लगा था, मेरे पास था लिखा हुआ पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है लेकिन क्रमांक नंबर दो है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों चीजें हमने वो पढ़ी है, वही चीजें आ रही है सेम दो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं आप आपका, ठीक है ना। देखिए एक पंक्ति में बाईं ओर से एक का स्थान 11वां है। अब दोस्तों हम एक पंक्ति बना लेते हैं, चलिए हम पंक्ति बना लीजिए। इसके अंदर एक का स्थान किस साइड से है? बाईं ओर से 11वां, यानी इस साइड से 11वां है ए का स्थान, और बी का स्थान है वह दाहिनी ओर से 10वां स्थान, दाहिनी ओर से 10वां स्थान बी का। और अब क्या बोला है कि आपस में स्थान बदल लेते हैं। अगर आपस में स्थान बदल लेते हैं दोस्तों, अगर ए की जगह बी आ जाता है और बी की जगह ए चला गया, ये बदला हुआ स्थान है, तो ए की रैंक है वो बाईं ओर से 18वीं हो जाती है। यही तो चीज बोली है दोस्तों, अगर रिपीट कर देता हूं, ये अपनी लाइन दे रखी है, ठीक है। हमने रेखा बनाई पूरी दोस्तों, यहां पर बना रहा हूं आपको दोबारा समझाने के लिए, ताकि आपको दोस्तों पूरा समझ में आ जाए, कोई भी चीज छूट ना जाए। बस ध्यान से देखो, ये अपनी लाइन बनाई, इसके अंदर बोला कि ए का स्थान बाईं ओर से 11वां है, तो हमने लिखा कि ए का स्थान बाईं ओर से 11वां, यानी इस साइड से 11वां ए हो जाएगा, यही चीज लिखी। उसके बाद बाईं ओर से बी का स्थान अलग अलग दे रखे चीजें, वही तो समझनी है हमें, वही तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। अभी तक तो समझने के लिए हम बता रहे थे, अभी तो क्वेश्चन आए समझाने के लिए, पढ़ने के लायक। 18वां स्थान बी का दोस्तों, इस साइड से बी का स्थान 18वां, सॉरी 10वां, दाईं ओर से बी का स्थान 10वां। दाया बाया मैंने बता दिया दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना। अब बोला है कि वो आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी बी ए की जगह आता है, ए बी की जगह चला जाता है, बस आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो हम अलग मार्कर से लिखेंगे। बी यहां पर आ गया और ए यहां पर आ गया। अब दोस्तों बोला जाता है कि ए का स्थान बाईं ओर से 18वां हो जाता है, यानी बायां कौन सा? इस साइड से, इस साइड से इसका स्थान 18वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति के अंदर कुल विद्यार्थी कितने दोस्तों? अब कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है दोस्तों, यही तो हमने यहां पर किया था। ए का स्थान 18वां इस साइड से होता है बाईं ओर से, तो दाईं ओर से पहले बी का स्थान 10वां था, वो तो इस जगह तो ए जाकर बैठा है। अरे उस जगह पर ही तो ए जाके बैठा है, कहीं और जगह जाके पर बैठा नहीं है। आपने कहा सर बात तो सही है, तो दोस्तों 10वां यानी 18 + 10 - 1 कर लो, -1 क्योंकि एक व्यक्ति को दो बार गिन रहे। बी तो यहां पर बैठ गया, बी का लेना देना ही नहीं है। बी कह रहा है कि मैं तो यहां पर आके बैठ गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, मेरी जगह तो फिक्स है। तो दोस्तों ये कहेगा कि मुझे दो बार क्यों काउंट कर रहे हो, मुझे एक बार तो काउंट करना है। तो दोस्तों 18 और 10 28, 28 - 1 27 दोस्तों राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है वो आपका हो जाएगा सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन अगर आपको सही दिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिख रहे तो और भी बढ़िया दोस्तों। चलिए अपने क्वेश्चन को नोट कर लो दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है 100% होगा दोस्तों, क्योंकि वो क्वेश्चन किए हुए नहीं रहते हैं। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो, मात्र 30 सेकंड का टाइम दूंगा आपको, लिख लो।
चलिए दोस्तों आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो दोबारा मैं समझा रहा हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन को दोस्तों दोबारा, ताकि आपको भी कंफ्यूज, सारा आपका कंफ्यूज जुड़ जाए दोस्तों आपके दिमाग से, चीज वही चाहे जो आपको समझने की लायक है दोस्तों। चाहे हम दो क्वेश्चन एक क्लास के अंदर करें, लेकिन दोस्तों समझ में आना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज समझ में नहीं तब तक क्या पढ़ने का मजा आता है। चलिए दोबारा मैं ये बना रहा हूं दोस्तों, आपने ये लाइन बनाई, इस पर बोला कि एक स्थान बाईं ओर से ग्यारहवां है, एक स्थान है वो बाईं ओर से ग्यारहवां है, ग्यारहवां ठीक है ग्यारहवां। उसके बाद बाईं ओर से बी का स्थान है वो है उसका दसवां, ये हो गया बी का स्थान। अब बोला कि वो आपस में स्थान बदल लेते हैं, अगर वो आपस में स्थान बदलेंगे तो दोस्तों वो कहां पर आएगा, ए बी ए की जगह, ए बी की जगह, यानी अब ऊपर लिख देते हैं आपको समझने के लिए, बी यहां पर आ गया, ए यहां पर चला गया, ठीक है आपस में जगह बदल ली, सारी चीज सॉल्यूशन हो गया अब आपका। अब बोला है कि ए का स्थान है वो दोस्तों बाईं ओर से, यानी इस साइड से 18वां हो जाता है, यानी इस कॉर्नर से इसकी रैंक हो जाती है 18वीं। तो इस साइड कितने बच्चे बैठे हैं, अरे इस साइड कितने बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे तो इस साइड बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। आपने कहा बात तो सही है सर, बी पहले 10वें स्थान पर था दोस्तों, इसलिए दोस्तों कुछ मत करो, 18 और 10 28, 18 + 10 28, -1 कर दो दोस्तों गुण अपने 27 आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूज रहता है ना दोस्तों, तो आप कुछ मत करो, मैं थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखो, जो स्थान बदलने वाले क्वेश्चन आते हैं, पूछी जाती है ना कुल कितने विद्यार्थी है, तो दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ दो, उसके बाद अंत में किसका स्थान पूछा है, वो सॉरी किसका स्थान दे रखा है, इसके अंदर ए का स्थान दे रखा है बाईं ओर से 18वां। अगर ए का स्थान बाईं ओर से 18वां दे रखा है, तो बी की दाईं ओर से रैंक देख लो पहले क्या थी, बी की दाईं ओर से 10वीं रैंक थी, उसके अंदर एड कर दो, -1 कर दो, 27 आएगा। क्वेश्चन करेंगे और आएंगे क्वेश्चन दोस्तों, उसके अंदर कर लेंगे। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं हुई तो आपने कर लिया होगा तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं किया है तो दोस्तों और क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे दोस्तों। अगर चलिए मैं डाटा क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करवा देता हूँ, चलिए डाटा थोड़ा सा चेंज करवा देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है ना सर, क्वेश्चन ऊपर ऊपर लगा हुआ है ना। चलिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर डाटा चेंज करवा रहा हूँ आपके सामने, चलिए एक स्थान करवा देते हैं, एक स्थान सर 12, चलिए सर डाटा चेंज कर दो, एक स्थान हो जाता है ऊपर से 15वां, सॉरी बाई ओर से इसका हो जाता है 18वां, ठीक है, और फिर ए की बाईं ओर से रैंक, दोस्तों ये क्वेश्चन है, बस डाटा ही चेंज किया, क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज हुआ आपके सामने, ठीक है ना। बोला है कि ए का स्थान है वो बाईं ओर से 15वां है, अरे ए का स्थान बाईं ओर से हमने रेखा बनाई, ये लो रेखा दोस्तों, रेखा सबको प्यारी है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हंसी मजाक, चलिए ए का दोस्तों 15वां किस साइड से, बाईं ओर से, चलिए ये आ गई बाईं ओर से 15वीं रैंक, मैंने कहा ये बनाई 15वीं रैंक, ए आ गया यहां पर बाईं से, उसके बाद बी की दाएं ओर से 18वीं रैंक, दायां बायां तो समझते हो अभी तक, अगर ये भी डाउट लग रहा है मुझे शायद, चलिए अगर डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, डाउट है तो सॉल्यूशन कर लो दोस्तों, अन्यथा एग्जाम के अंदर फंस जाओगे दायां बायां के अंदर। 18वीं रैंक बी, ये हो गई 18वीं रैंक। अब बोला है कि वो आपस में स्थान बदल लेते हैं, किसी कारणवश उनका दोस्तों समझौता हो जाता है, वो कहते हैं कि यार आप मेरी जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूं दोस्तों, तो उसके समझौता होने के बाद वो आ जाता है, ए यहां पर आ जाता है, मैं यहां पर लिख देता हूं मार्कर से, अलग से मार्कर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसके अंदर ग्रीन वाला मार्कर काम भी चला गया। चलिए अब आ जाता है ए यहां पर आ गया बी, और ये ए यहां पर चला गया। अब बोला है कि समझौता हो गया उनका, समझौता होने के बाद उन्होंने क्या किया, ए की बाईं ओर से रैंक 26वीं आ गई,
इन्हें बोला क्या बात है, मेरी रैंक 26 में आ गई बाई ओर से। चलिए इस साइड से एक ही रैंक आ गई 26वीं बाई ओर से। तो पूछा जाता है कि पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं, ध्यान से नोट करना, पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों 26 तो इस साइड बैठे, या 26 का स्थान इस साइड से ए का है, ए यहां पर चला गया। तो और इस साइड कितने बैठे बैठे थे अपने, 18। तो 26 + 18 - 1, 26 और 18 जोड़ दो 44, 44 + 43 दोस्तों, राइट आंसर 43। सही है ना दोस्तों, कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई दोस्तों चेक कर लेना, 26 + 18 = 44 - 43 43 दोस्तों, राइट आंसर आपका 43 ही होने वाला है, एकदम सही है, 43 बच्चे ही बैठेंगे। अगर फिर भी कंफ्यूज रहता है तो 43 माइनस, दोस्तों आपको कोई और चीज पूछा थे चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करवा दूंगा, अन्य कोई चीज पूछा थे जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो दोस्तों, डाटा चेंज करवा के आपके लिए क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एक बार फिर से डाटा चेंज करेंगे ताकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, मुझे पता है इस चीज का, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप फंसोगे, आप फंसने नहीं चाहिए दोस्तों, आप उड़ने चाहिए हवाई जहाज की तरह, ठीक है ना। चलिए लिखो लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन तो और कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इसका डाटा दोस्तों नोट कर लेना दोस्तों, सर एक मिनट, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों ऐड करवाने पड़ते हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, डाटा ही चेंज करेंगे, केवल डाटा ही चेंज करेंगे, ऐसा मत समझना कि सर क्वेश्चन दोस्तों से चेंज नहीं हुआ है, हम नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए चलिए अब दोस्तों से नीचे वाला डाटा सेम ही पड़ा रहने दो, इस क्वेश्चन को करिए। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक का स्थान है वो बाएं ओर से 10वां है और दाएं ओर से 18वां है, आपस में स्थान बदलने के बाद एक का बाएं ओर, चलिए इस बाएं ओर को चेंज कर देते, चलिए 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 अब करो दोस्तों, क्योंकि अभी तो दोस्तों क्वेश्चन चेंज हुआ है, अभी तक तो सेम क्वेश्चन चल रहा था, अब चेंज हुआ है, बी की दाएं ओर से रैंक 26 में हो जाती है, तो पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों मैं इस क्लास को रेगुलर रिकॉर्ड नहीं करवा पाता हूँ, सबसे पहले माफी चाहूंगा, क्योंकि रेगुलर रिकॉर्डिंग करवाना अवेलेबल नहीं रहती, पूरी कोशिश रहती फिर भी नहीं रहती, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन रिकॉर्डिंग करवाता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, एक दिन छोड़ के, राजस्थान जीके वाली क्लास रेगुलर है, इसको दोस्तों ने बस हो जाएगी, इसकी चिंता मत करना, एक दिन छोड़ के एक दिन रिकॉर्डिंग आती है आपके सामने। चलिए जल्दी से नोट करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको, ये अपनी लाइन हो गई, एक का स्थान 10वीं अपना बाएं ओर से 10वां स्थान है, तो मैंने बताया कि एक का बाएं ओर से 10वां स्थान ए, ये रहा इसकी 10वीं रैंक यहां पर आ गई, फिर बी की दा बाएं ओर से सॉरी दाएं ओर से 18वीं रैंक, मैंने कहा 18वीं रैंक बी की यहां पर आ गई, वो आपस में स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदलने दो दोस्तों, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो फर्क पड़ेगा तो लास्ट में उत्तर देने में पड़ेगा, अगर ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों, अगर हमें ट्रिक पता है तो कर लेंगे। आप बोला वो आपस में स्थान बदल लिया, इसका मतलब बी यहां पर आ गया और ए यहां पर चला गया, आप दोस्तों यहां पर गाड़ी फंसेगी या नहीं फंसेगी, कुछ की तो फंस गई, बी की दाएं ओर से रैंक 26वीं हो जाती है, बी की दाएं ओर से रैंक 26वीं हो जाती है, यानी दाएं ओर से इस साइड से बी की रैंक ना कि ए की पूछी है 26वीं हो जाती है। आप पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी है दोस्तों, कुछ मत करो, 26 और 10 जोड़ दो, 26 + 10 - 1 आपके 35 विद्यार्थी आ जाएंगे, राइट एकदम करेक्ट आंसर है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, आपके पास कमेंट बॉक्स खुला है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों,
हमने पहले लाइन बनाई, इसके अंदर दोस्तों तो अपने एक का स्थान बाएं ओर से दाएं ओर से हमने लिख लिया, इतना तो आपको आता है। उसके बाद आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया, उसके बाद बोला बी की दाएं ओर से रैंक 26वीं हो जाती है, बी की दाएं ओर से रैंक पूछिए तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इतनी 26वीं, तो 26 बच्चे इस साइड बैठे, 10 बच्चे पहली रैंक थी ए की, 26 + 10 36, 36 - 1 35 कुल विद्यार्थी होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय जय भारत, अपना ध्यान रखना दोस्तों।